कर क्या रहे हो? कौन लड़की? यहाँ तो अभी मैं ही हूँ और मैं भी तो एक लड़की हूँ ना, बट मुझे नहीं पता कि तुम किस लड़की को ढूंढ रहे हो। बाय द वे, मायसेल्फ पलकी, डॉक्टर पलकी खुराना। मेरा एक अंकल भी है, चाचा जी, जो पुलिस इंस्पेक्टर है, और मेरा फियांसे, वो भी इस वक्त पुलिस स्टेशन में ही है। अच्छा, तो वो भी इंस्पेक्टर है क्या? हाँ, लेकिन वो सिर्फ इंस्पेक्टर नहीं, सीनियर इंस्पेक्टर है। तो अगर तुम्हें भी ऐसा लग रहा है कि एक अकेली लड़की को सड़क पे देख के तुम कुछ भी बोलोगे, बकवास करोगे, तो उसे सोचना भी मत। पता है मैं क्या करूंगी? मैं ना जोर से चिल्लाऊंगी और प्रीता जी यहाँ आ जाएगी, और हम दोनों के पास ना एक सुपर पावर है, हम दोनों कुछ भी कर सकते हैं, हम दोनों सुपर वुमन है। तो तुम्हारी भलाई इसमें है कि तुम एक सेकंड के अंदर यहाँ से निकल जाओ, वरना मैं चिल्लाऊंगी, मैं चिल्लाना शुरू कर दूंगी, चिल्ला के दिखाओ। अरे तो जब मैं कुछ बोल ही नहीं रहा तो चिल्लाऊंगी क्यों? देखो मुझे ना ये सारी फालतू की बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बेटर तुम ऐसे चले जाओ वरना मैं चिल्लाऊंगी। और देखोगे मैं चिल्लाऊंगी अब, चोर चोर चोर। अरे तो मैं कोई चोर थोड़ी हूँ। चोर बचाओ, चोर। अरे चुप। प्रकट हो जाएगी। अरे सुपर वुमन है। अबे मैंने तुम लोगों का क्या बिगाड़ा है? मैंने कहा था कि अगर तुम यहाँ से नहीं जाओगे तो ये प्रकट हो जाएंगी, लेकिन तुम्हें लगा कि मजाक कर रही हूँ। और अगर तुम 5 सेकंड के अंदर यहाँ से नहीं गए ना, तो पुलिस वैन की सायरन बजाते हुए मेरा फियांसे यहाँ पे आ जाएगा, फिर तुम्हें उठा के लेके जाएगा, लॉकअप में डालेगा, फिर तुम्हारी जम के कुटाई होगी, तुम्हारी एक एक हड्डियाँ तोड़ देंगे। क्या मैं असली दुनिया में हो गया? इसके बोलने से पहले लोग प्रकट हो रहे हैं। लगता है ये कोई जादू दुनिया है। नहीं जग्गा, ये कोई दूसरा ही लोग है। भाग वरना तेरा बुरा हाल हो जाएगा। भाग जग्गा बेटा भाग। अरे भागो। आ जाओ। ये लो आपका फोन। थैंक यू, आप दोनों ने मेरी इतनी हेल्प की, मुझे उस गुंडे से बचाया। आज आप दोनों नहीं होते तो मेरी जान को बहुत खतरा था। वैसे आपका आइडिया काम कर गया, उस सायरन से वो गुंडा भाग गया। हाँ, मुझे भी नहीं पता कि मेरे दिमाग में ये आइडिया कैसे आया कि हम मेरा फियांसे इंस्पेक्टर है। अदरवाइज 5 सेकंड में पुलिस कहाँ से आती? आलिया, अब तुम हमें बताओ, पहले तो ये बताओ ये गुंडा तुम्हारे पीछे क्यों पड़ा था? वो एक्चुअली वरुण मुझे जान से मारना चाहता है। हाँ। वरुण, पलकी, तुम पलकी चुप जाओ प्लीज, मेरी माँ आ रही है।